बुलंदशहर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर रेप पीड़िता ने लगाई इंसाफ की गुहार। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस। आरोपियों द्वारा रेप पीड़िता के भाई पर फर्जी एफआईआर दर्ज कर केस को कमजोर करने का भी लगाया आरोप। आगरा पुलिस द्वारा पीड़िता के घर पर दबिश देकर अभद्रता का भी लगाया पुलिस पर आरोप। आपको बता दें कि 4 तारीख को पीड़िता के साथ रात्रि 9 बजे रेप की घटना को दिया गया अंजाम। पीड़िता ने 5 तारीख को आहार थाना पर दर्ज कराई थी एफआईआर। उसके बाद भी नहीं की गई कोई कार्यवाही। पीड़िता ने आज एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर लगाई कार्यवाही करने की गुहार। वहीं उच्च अधिकारी ने दिया निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन। क्योंकि मेरे साथ अफेयर किया था 4 तारीख को अमित ने, मैंने उसके बाद आहार थाने में एफआईआर कराई। फिर पुलिस ने उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आगरा से पुलिस लाकर मेरे घर पर बदतमीजी करी और मेरी छोटी बहन थी उसके साथ भी गाली गलौज करी पुलिस ने। बल्कि मुजरिम खुलेआम घूम रहा है, उसको नहीं पकड़ रहे और मेरे घर पे आके बदतमीजी कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। मेरे भाई के साथ उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया और गवाह बना रहे हैं कि कह तो गिरफ्तार हो जाओ वरना हम मार पीट के तुम्हें ले जाएंगे। मेरे भाई के साथ उल्टा मुकदमा और दर्ज करा रहे हैं झूठा। और क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अमित को गिरफ्तार कर दिया जाए। सर, हमारी 4 तारीख की रात को 9 बजे करीब हमारी बेटी के साथ में अमित कुमार ने बलात्कार किया। हमने 5 तारीख में एफआईआर दर्ज कराई हर थाने, लेकिन पुलिस कोई हमारी तरफ कार्रवाई नहीं कर रही। उसकी विवेचना ताराचंद जी कर रहे हैं, जो कि उल्टा हम पर दबाव बना रहे हैं फैसले का। उन्होंने हम इससे मिलकर, वो आगरा के रहने वाले हैं उधर के, और आगरा हमारे खिलाफ एफआईआर करा दी प्रशांत के खिलाफ। मेरे जो मेरा बेटा है झूठा केस दर्ज करा दिया। रात मेरे घर पर पुलिस आई आगरा से और ताराचंद जी साथ थे उनके। मेरे घर पर मेरी छोटी बेटी और उसके साथ में उन्होंने अभद्रता करी है। बोले या तो कोर्ट में सरेंडर कर दो और नहीं कल तुम्हें जूते मार मार के यहाँ से लेके जाऊँगा। ये शब्द उन्होंने बोले। फिर वहाँ से पुलिस हमारे यहाँ यमुनापुरम आई, हमारे संधि साहब के वहाँ उन्होंने गेट नहीं खोल पाए और काफ़ी देर उनके लिए परेशान कराया। तो ये सब तो इसमें हमारी मदद करी जाए और अमित को अरेस्ट करा जाए। हम तो उल्टा दबाव बनाया जा रहा है ज़बरदस्त, और ये ताराचंद इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं अमित की तरफ। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूँ ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।